हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, मेरे पास एक फॉर्म है जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म। और इस फॉर्म का नाम होता है फ्रेंड्स, स्लिप फॉर NEFT RTGS। अगर फ्रेंड्स आप ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि आप पेटीएम वगैरह या बैंक ऑफ बड़ौदा का एम कनेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, और आपको अपने अकाउंट से कहीं पे फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, जैसे आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं फ्रेंड्स और आपका परिवार दूसरे स्टेट में रहता है, तो आपको उनके अकाउंट में पैसे भिजवाने हैं अपने अकाउंट में से, तो आप वो कैसे पहुंचा सकते हैं इस फॉर्म को भर के, वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, पूरी डिटेल दे दूंगा इस फॉर्म में क्या क्या भरना होगा, क्या क्या लगेगा और कैसे कैसे क्या करना होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है जो कि है पेइंग इन स्लिप फॉर NEFT RTGS, ये फॉर्म मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको बैंक ब्रांच में मिल जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा की। आप चाहे तो इसे इंटरनेट से भी डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको बता दूँ इसमें क्या क्या कैसे कैसे भरना होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपनी ब्रांच का एड्रेस भर लेना है, यहाँ पर जो भी आपकी ब्रांच हो वो आपको यहाँ पर भर लेना है। जैसे कि मैं भर रहा हूँ यहाँ पर सेक्टर 24 रोहिणी। डेट आपको भर लेनी है, यहाँ पर आपको डेट भर लेनी है, और उसके बाद मंथ, और यहाँ पर ईयर भर लेना है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं सेंडर्स अकाउंट नंबर ऑफ बेस ब्रांच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर है जो कि डाल देना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो वो आपको डाल देना है फ्रेंड्स, जो कि आपका बैंक में लिंक होगा, मतलब जिससे आप पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं वो आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ भर देना है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपना नाम लिख लेना है, जो भी आपका बैंक में नाम जिससे अकाउंट चल रहा हो वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है, कैपिटल फॉर्म में लिखना है फ्रेंड, जो भी आपका नाम हो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं NEFT या RTGS। तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ, अगर आप 2 लाख से कम के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको NEFT करना है, और 2 लाख से प्लस है तो आपको RTGS करना है। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि हम 2.5 लाख की पेमेंट करने वाले हैं आगे, तो हम यहाँ पे RTGS करेंगे, हम यहाँ पे RTGS भर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है बेनिफिशरी नेम, मतलब जिसे आप पैसा भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे, उसका नाम जो भी हो उसका नाम आप वो लिख देंगे यहाँ पर। रिसीवर्स बैंक नेम, मतलब फ्रेंड जिसको आप पैसा भेज रहे हैं उसके बैंक का क्या नाम है, आप मैं यहाँ पे SBI लिख देता हूँ, आप जिसमें ट्रांसफ़र करने वाले हैं फ्रेंड्स वही लिखें। यहाँ पर रिसीविंग ब्रांच नेम, मतलब जो उस बंदे की ब्रांच होगी जिसे आप पैसे ट्रांसफ़र करने वाले हैं उसका यहाँ पर एड्रेस उसे मांग लेना है उसके बैंक का, और यहाँ पर भर देना है। जैसे यहाँ पे हमने अपने ब्रांच का भरा था, यहाँ पर उसके ब्रांच का भर देंगे फ्रेंड, जो भी हो उसका वो भर देंगे। जैसे कि मैं कोटा भर देता हूँ जो कि राजस्थान में पड़ता है, मैंने कोटा भर दिया। अब देखिए रिसीवर्स रिसीविंग ब्रांच IFSC कोड पर फ्रेंड्स, इस ब्रांच की ये जो बैंक है SBI, ये जहाँ का एड्रेस है उस बैंक का आपको IFSC कोड यहाँ पे डाल देना है। ये आप IFSC कोड या तो फिर आप उस पर्सन से पूछ लीजिए जिसे आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या आप इसे इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा IFSC कोड। यहाँ पे डाल देना है इस बैंक का अकाउंट नंबर जिसे आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे भर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आ जाना है नीचे, यहाँ पर पूछ रहे हैं बेनिफिशियरी का अकाउंट किस टाइप का है, मतलब जिसे आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका अकाउंट किस टाइप का है। तो यहाँ पर हम सेविंग का कर ले रहे हैं, आपका करंट हो तो करंट पर कर लीजिए फ्रेंड्स। मैसेज फॉर बेनिफिशियरी, तो अगर फ्रेंड 2.5 लाख से आप, मतलब 2 लाख से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप RTGS कर रहे हैं, तो आप कुछ मैसेज लिखना चाहते हो RT, मतलब अपने उसके लिए जिसको आप पैसा भेज रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं भी जो यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिख रहे रहा हूँ मनी फॉर टिकट, ऐसे लिख ले रहा हूँ मैं। जैसे कि मनी मैं भेज रहा हूँ किसी को, मेरे को टिकट करानी है कोई, तो उसके पैसे मैं भेज रहा हूँ, तो यहाँ लिख दिया। अगर आप NEFT करते हैं तो उसमें ये मैसेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स आपको। अब यहाँ पर आप कितना फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उसे, तो यहाँ पर मैं करूँगा फ्रेंड्स उसे, मतलब 2.5 लाख करने हैं मुझे, तो यहाँ पर मैं 2.5 लाख करूँगा उसे। आप जितना करें उसे उतना ही भरें। और एक्सचेंज रेट फ्रेंड्स आपको नहीं पता कि बैंक कितना काटेगा चेंज रेट, तो आप इसे खाली छोड़ देंगे, या टोटल अमाउंट भी खाली छोड़ देना फ्रेंड्स। ये आप जाके बैंक में भर सकते हैं उनके सामने, क्योंकि हमें पता नहीं है कि बैंक 2.5 लाख पे कितना ही चार्जेस जो कि है काटने वाला है एक्सचेंज रेट के तौर पे, तो ये सब हमें नहीं पता, ये हम फिलहाल के लिए खाली छोड़ रहे थे फ्रेंड्स, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं पता है एक्सचेंज रेट क्या है फ्रेंड्स।
अब यहाँ पर आ रहा है बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, जो आपने यहाँ अकाउंट नंबर भरा है फ्रेंड्स बेनिफिशियरी का, मतलब जिसे आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका, फिर से यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भर लेना है, जो भी उस बंदे का अकाउंट नंबर हो। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं आरबीआई के गाइडलाइन के थ्रू हो रहा है, क्योंकि 2-3 बार नंबर भरना पड़ता है जो कि आप जैसे पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं फ्रेंड्स। अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये पूरी डिटेल लिख रखी है जो कि है एक टर्म कंडीशन, आपको ये पढ़ लेनी है पूरी फ्रेंड्स। और यहाँ पर है जो कि है, यहाँ पर सेविंग कर देना है, अपना अकाउंट नंबर डाल देना है आपको ब्रांच, और यहाँ पर चेक नंबर डाल देना है आपको फ्रेंड्स, क्योंकि इसे ट्रांसफ़र करने के लिए एक चेक की जरूरत पड़ेगी आपको। चेक नंबर डाल देंगे आप यहाँ पे, और ये आपको एग्री कर लेना है कि बैंक इस पर जो भी चार्ज लगाएगा वो आपके अकाउंट से कट जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये उस चीज़ का है फ्रेंड्स, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कस्टमर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाले, जो भी आपका रजिस्टर्ड हो बैंक से वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए फ्रेंड्स। और फिर देखिए फ्रेंड्स, हम ज़्यादा लंबी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मतलब बड़ी, तो यहाँ पर हमें अपना 10 डिजिट का जो कि है पैन नंबर भी इन्हें देना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये मैंडेटरी है फ्रेंड्स, ये हमें देना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स इधर का तो अपना काम हो गया पूरा, मैंने आपको बता दिया जो जो यहाँ भरना है। अब इधर आ जाते हैं जो कि है रिसिप्ट फॉर्म, जो कि हमें मिलेगी फ्रेंड्स, तो आपको ये भर के दिखा देता हूँ। यहाँ पर फिर से आपको ये भर लेनी है, अपनी ब्रांच भर लेनी है जो कि हो गया रोहिणी सेक्टर 24, यहाँ डेट आ जाएगी उसी फॉर्म में जैसे हमने पहले भरी थी यहाँ पर। और यहाँ पे सेंडर्स अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर आपने यहाँ भरा है फ्रेंड्स ये अपना, वही आपको यहाँ भर देना है अपना अकाउंट नंबर। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर जो भी है आपका यहाँ भर देना है आपको। RTGS कर रहे हैं, NEFT कर रहे हैं वो भर देना है आपको, जो भी आप कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये छोड़ दीजिए आप, यहाँ पर आप भरिए उस बंदे का बैंक जिसमें आप पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं, और यहाँ पे ब्रांच भर देनी है आपको, और यहाँ पे फिर आपको IFSC कोड भर देना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था ये IFSC कोड, वही यहाँ पे भर देना है। अब यहाँ पे अकाउंट लिख देना है फ्रेंड्स, अकाउंट नंबर, ये जो आपने यहाँ अकाउंट नंबर लिखा है बेनिफिशरी का, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर लिख देना है फ्रेंड्स, उसका जो भी हो अकाउंट नंबर वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप, मतलब उस बंदे का कैसा अकाउंट है, सेविंग है तो सेविंग लिखेंगे, अगर करंट हो तो करंट लिखेंगे फ्रेंड्स, ऐसे करके आपको लिख लेना है। अब अमाउंट पूछ रहे हैं हम कितना है वो कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं 2.5 लाख, तो यहाँ पर 2.5 लाख को कर लेते हैं। और फिर ये देखिए एक्सचेंज रेट हमें फिर से मालूम नहीं है, वो हमें बैंक में जाके पता लगेगा कितना 2.5 लाख पे है जो कि एक्सचेंज रेट होगा फ्रेंड्स। अब ये हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सिग्नेचर मार देंगे अपन, जो भी आपका बैंक में सिग्नेचर आप करते हो वो सिग्नेचर आपको यहाँ कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ टेलीफोन मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, ये मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भर देना है फ्रेंड, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो आप भर देंगे यहाँ पे। पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा, और फिर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो कि ये काम कंप्लीट हो गया है, जो 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 हमें भरना था फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया, जो जो आपको बैंक में भर के पहुँचना है। बात रही फ्रेंड्स यहाँ टोटल अमाउंट की, टोटल अमाउंट आप वहाँ पे भर दीजिए बैंक वालों से पूछ के, या फिर आप ये एक्सचेंज रेट नहीं भी भरेंगे तो फ्रेंड्स जो कि है ना, कई केसेस में ऐसा हो रहा है कि जो कि आप ट्रांसफ़र करेंगे उस पर ऑटोमेटिकली जो भी वैलिड चार्ज होगा वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप जाके फ्रेंड्स एक बार बात कर लीजिएगा, जिससे भी आप, लंबी अमाउंट है इसलिए फ्रेंड्स मैं आपसे सजेशन दे रहा हूँ, बड़ी ट्रांसफ़र करें तो जो कि ये वाला है आप वहाँ पर जाके भर लीजिए अपना, जब भी आप इसे जमा कराएंगे फॉर्म में चेक के साथ, तो जब आप उनसे बात कर लीजिएगा और इसे कर लीजिएगा। बाकी जो काम रह गया वो बैंक वालों का है, वो आपको स्टैम्प वगैरह लगा के कुछ ना कुछ देंगे, और इसके साथ आपका शायद एक चेक भी लग सकता है फ्रेंड्स फंड ट्रांसफ़र के लिए। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं भरना होता है फॉर्म में, इतना ही होता है फ्रेंड्स। और कोई प्रॉब्लम आए तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो वीडियो में फ्रेंड्स ये मैंने पूरी डिटेल दी है, अगर आपको कोई और फॉर्म जानना हो जो आपको नहीं भरना आता हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतनी जानकारी थी, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।